मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स डिस्कस कर रहे हैं। आपने अब तक कोलाइड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि कोलाइड्स होते क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। मैंने आपको 3 to 4 क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स मैंने कोलाइडल सॉल्यूशंस की आपको बताई थी। आज हम कोलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरह के मेन कोलाइड्स बता रखे हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक मैंने आपको बताया था, फिलिक मतलब डिस्पर्स फेस प्लस विस्पर्स मीडियम, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है यहाँ। और फोबिक के अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब लायोफिलिक में क्या है कि अगर आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों में ही अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रही है, मतलब एक दूसरे को पास पास खींचेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये सिंपल मिक्सिंग या सिंपल हीटिंग से भी बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई स्पेशल मेथड्स की जरूरत नहीं है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग और सिंपल हीटिंग। अगर मैं बात करूं कि लायोफोबिक कोलाइड्स की, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, मतलब जैसे ही आप दोनों चीजों को मिक्स करोगे, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम को, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो आपको जो पार्टिकल्स को मिक्स करना है, उनको साथ में लेके आना है, तो यहाँ पर आपको स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल मेथड्स मैंने आपको बोला, दोनों को पास लेके आना है, तो पास लेके आने का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट करना या फिर कंडेंस करना, इकट्ठा करना। इसीलिए लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाने के मेथड्स को हम एग्रीगेशन मेथड या कंडेंसेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इनको पास लेके आना है, इन्हें एग्रीगेट करना है, इन्हें कंडेंस करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मेथड रहेगा बेटा केमिकल रिएक्शन का मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ 2 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बेटे केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में मैंने आपको 4 मेथड्स दिए हैं। सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज योर रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड लास्ट इज योर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन, आप फ्रॉम द 10th क्लास पढ़ रहे हैं। डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब 2 एलिमेंट्स अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं दोनों के दोनों। जैसे आपको दिख रहा है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी, सल्फर यहाँ चला जाएगा, यही होता है डबल डिकम्पोजिशन, आपको पता है, ठीक है। भाई दोनों ही टूटेंगे और दोनों ही अपने आप को चेंज कर लेंगे, दैट इज टूटने के बाद दे आर डिस्प्लेसमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये इस टाइप का मेथड आपके आर्सेनिक के लिए यूज होता है, आर्सेनिक सोल, दैट इज एएसके सोल यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं, वो भी कौन से बेटा, सल्फाइड सोल्स, आर्सेनिक सल्फाइड सोल्स को यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। तो आप जर्नल याद रखेंगे कि डबल डिसइंटीग्रेशन मेथड आप इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं, ये कहीं पर भी लिखे हुए नहीं है बेटा, ये आपको अच्छे से रिमाइंड करने हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल्स लेके पूछेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल्स को माइंड में रखते हुए भी याद रख सकते हैं। तो अगर आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखा है, जैसे आपका आर्सेनिक का ऑक्साइड दिया हुआ है, तो इस टाइप के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के केस में आप किस मेथड को यूज करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मेटल का सॉल्ट बनाना है, तो मेटल्स के लिए आग बंद करके यू हैव टू यूज रिडक्शन, क्या यूज करना है, रिडक्शन यूज करना है। यहाँ पर SnCl4 यूज किया मैंने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, ठीक है। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, तो AuCl3 गोल्ड क्लोराइड था आपके पास, और SnCl2 के साथ रिएक्ट करके Au का सॉल बन गया, दैट इज ये क्या है बच्चा, गोल्ड का सॉल है। मैंने आपको कल बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन को खाली सॉल भी लिखा जा सकता है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आप बनाओगे बेटा हाइड्रोक्साइड्स के लिए। जब भी आपको हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट्स बनाने के लिए बोले, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, हाइड्रोलिसिस यूज करोगे, फिक्स्ड है ये। FeCl3 प्लस वाटर गिव्स FeOH3 प्लस HCl, रिएक्शन आप आसानी से कर लेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस चीज के लिए आपने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है। ऑक्सीडेशन बेटे नॉन मेटल सॉल्ट्स, दैट इज सल्फर लाइक, ठीक है। नॉन मेटल का अगर किसी भी नॉन मेटल का सॉल्ट बनाना है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, सल्फर का सॉल्ट बन गया, ठीक है, दिस इज योर सल्फर सॉल्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर 4 मेथड आपने यूज किए, आपको रटना है ये डबल इंटीग्रेशन, सॉरी डबल डिकम्पोजिशन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लिए है, रिडक्शन मेटल्स के लिए है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोक्साइड्स के लिए है, और ऑक्सीडेशन नॉन मेटल्स के लिए है। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल फिक्स्ड होने चाहिए माइंड में,
ठीक है, उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड के बारे में। डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन, डिस्पर्जन का मतलब भी तोड़ना होता है बेटा, डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी तोड़ना होता है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर तोड़ना है। ठीक है, तो आपको डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड में तोड़ने का मतलब सिंपल है कि आपके पास बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे और आपको उनको ब्रेक करके छोटे साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो डिस्पर्जन का मतलब बड़ा साइज का पार्टिकल हम कौन सी रेंज में लाएंगे, सबको कोलाइडल रेंज में, और ये क्या है बेटा बिग साइज। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पर्जन का या डिसइंटीग्रेशन का मतलब है बड़े साइज के पार्टिकल को कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में तोड़ना। दिस कैन बी डन बाय द टू मेथड्स। सबसे पहले मैकेनिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल का मतलब है बेटा खुद हथौड़े लगाने हैं ना, खुद से मेहनत करनी है। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने चक्की देखी है आटा पीसने वाली चक्की, उसमें आप क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं। ठीक है, तो वहां से जो है आटे पीसने वाली चक्की में बाहर आपका आटा निकलता है, या फिर अगर आपको दलिया बनवाना है तो वो दलिया निकलता है। मतलब बड़े बड़े साइज की गेहूं टूट के और क्या होती है आपकी बाहर निकल जाती है एक पर्टिकुलर रेंज में, एक साइज में। तो वही चीज यहाँ पर है बेटा, मैकेनिकल डिस्पर्जन में हम यहाँ से इस पे फोकस करेंगे, यहाँ से हम सस्पेंशन डालते हैं। सस्पेंशन का मतलब है बिग साइज पार्टिकल। सस्पेंशन का मतलब है बिग साइज पार्टिकल्स, यहाँ से आपने डाले बेटा। ये जो मैंने मेटल डिस्क लगाई है, दिस इज योर मेटल डिस्क, ये जो नीचे वाली मेटल डिस्क है दिस इज रोटेटिंग बेटा, और इसकी रोटेशन की स्पीड होती है 7000 रोटेशन पर मिनट। कितनी होती है, 7000 रोटेशन पर मिनट। तो इतनी स्पीडली रोटेट करती है ये कि ऊपर से जब सस्पेंशन पार्टिकल गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिस जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ से कोलाइडल डिस्चार्ज और यहाँ से कोलाइडल डिस्चार्ज बाहर निकलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा। आपको ये बात याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि जब आप दलिया बनवाते हैं या आटा पिसवाते हैं तो आटा पिसवाते वक्त भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे गेहूं का आटा ही बन जाता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े भी रह जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत गेहूं भी आ जाती है, और कुछ पार्टिकल्स आपके दलिये के साइज के भी आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपके जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज के हों, कुछ थोड़े से बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हमें ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, तो बाद में हम उनको रिफाइन कर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस को अलग और कोलाइडल सॉल्यूशंस को अलग। तो यहाँ पर आपको बड़े साइज पार्टिकल्स को कोलाइडल मिल में डालना है बेटा, जिससे कोलाइडल मिल की जो डिस्क है, मेटल डिस्क है जो रोटेट कर रही है, वो आसानी से मूव करेगी विद द स्पीड ऑफ 7000 रोटेशन पर मिनट, जिससे बड़े साइज के पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने मैकेनिकल वर्क डन किया है, ठीक है, हमने काम किया है यहाँ पर बहुत ज्यादा मैकेनिकल वर्क है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन का मतलब तो सेम है कि बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ना है। इलेक्ट्रिकल का मतलब आप समझ गए होंगे कि यू आर यूजिंग हियर इलेक्ट्रिसिटी, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर डिस्पर्जन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि बड़े पार्टिकल को छोटे 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 दैट इज कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में ब्रेक करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्जन। इस मेथड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन कहा गया है। प्रिटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे यूज किया था, उन्होंने आर्क्स को यूज किया है, आर्क्स मतलब स्पार्क को यूज किया है, इलेक्ट्रोड्स की स्पार्क को, इसीलिए इस मेथड को ब्रिडिक आर्क मेथड भी बोलते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नीचे लिख चुकी हूँ, आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये मेथड सिर्फ मेटल्स के लिए यूज होता है, मेटल्स की सोल बनाने के लिए यूज होता है, जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इन सबके सोल्स बनाने के लिए यूज होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपने एक वेसल लिया जिसके अंदर पानी है, इस पानी के अंदर यहाँ पे आपने मेटल का पीस रखा हुआ है, दिस इज योर मेटल, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा,
दिस इज योर मेटल पीस, ठीक है। आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए बेटा, ऑब्वियस सी बात है, एक पे प्लस होगा और दूसरे पे क्या होगा, माइनस। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने नाम दिया आर्क का। जब ये इलेक्ट्रोड्स पास आते हैं, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के पास लेके आओगे, मेटल से टच करोगे दोनों को, तो प्लस माइनस एक दूसरे को टच करेंगे, एज अ रिजल्ट स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? स्पार्क। वो स्पार्क जो होगा उसकी बहुत ज्यादा हीट होती है, दैट इज इंटेंस हीट। अब बेटा स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें जो आग होगी, उसमें जो हीट होगी, गर्मी होगी, वो बहुत ही ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि वो इस मेटल को कन्वर्ट कर देती है वेपर्स में। तो मेटल्स कन्वर्ट होते हैं बेटा, याद रखेंगे आप, वेपर्स में, ठीक है। अब जब ये मेटल्स बेटा ऐसे एकदम से स्पार्क हुआ, मेटल को टच किया, तो जो मेटल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वेपर्स का साइज यहां पर आपने क्या कर रखा है, आइस बाथ है बेटा, दिस इज आइस बाथ। आइस बाथ का मतलब है कि एक बड़ा सा बर्तन लिया आपने, उसके अंदर बहुत सारी बर्फ रखी, उसमें एक छोटा बर्तन रख रखा है, दैट इज वेसल, ये रहा, उसमें आपने पानी भर रखा है, उसमें दो आपने आर्क लगा रखी है, दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखी है, और उन इलेक्ट्रोड्स के पास आपने मेटल रख रखा है। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, प्लस माइनस है, जैसे ही आप दोनों टच करेंगे मेटल को, इलेक्ट्रोड्स प्लस माइनस की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और स्पार्क की हीट इतनी ज्यादा होती है कि मेटल को वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? अब बेटा ड्यू टू आइस बाथ, बाहर आपका आइस बाथ है, ये जो वेसल का पानी है ये भी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जैसे ही वेपर्स बनेंगे, तभी की तभी वेपर्स क्या हो जाएंगे बेटा, कंडेंस हो जाएंगे, है ना। वेपर्स बनते ही वेपर्स क्या हो जाएंगे बेटा, कंडेंस हो जाएंगे। सबसे पहले मेटल है, मेटल्स कन्वर्ट हुए वेपर्स में ड्यू टू मेटेलिक आर्क, उसके बाद वो कंडेंस हो गए। अब कंडेंस होने के बाद जो पार्टिकल्स बनेंगे वो आपके कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स आएंगे। कौन सी रेंज के आएंगे? कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स। दिस इज योर ग्रेडिंग आर्क मेथड, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन, इसे यही नाम इनके दिए गए हैं। नेक्स्ट इज पैक्टाइजेशन। पैक्टाइजेशन में होता क्या है, आपने यहां पर पीपीटी ले लिए, जैसे मैंने ले लिया बेटा एफ ई ओ एच की होल थ्राइस, ठीक है, और मैंने इसके अंदर FeCl3 ऐड कर दिया। एग्जांपल मैं ले रही हूं, जब मैंने FeCl3 ऐड किया, क्योंकि FeCl3 अपने आप में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, कोई डाउट यहां तक, ठीक है, किसमें टूटता है, Fe3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो FeOH की होल थ्राइस में कॉमन आयन बेटा, Fe के अंदर Fe कॉमन आयन का मतलब होता है सेम, सेम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पीपीटी के चारों तरफ पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव आयन के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन। अब इसके बीच में मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, जैसे पास पास आ गए सारे के सारे आयन्स, इनके बीच में होगा बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन। एज अ रिजल्ट ये बड़े वाला टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा इस तरह से, और ये जो पार्टिकल्स बने ये आपके कोलाइडल रेंज के आएंगे। दिस इज योर पैक्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस में टूट ही जाएगा, एज अ रिजल्ट आयंस बन जाएंगे। यहां पर आयंस आपके जो पीपीटी है उसके चारों तरफ सरफेस पे क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। आयंस जब पास पास कोगुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, एज अ रिजल्ट वो इस पीपीटी को ब्रेक कर देंगे आपस में फोर्सेस की वजह से, ब्रेक करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उन छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कोलाइडल रेंज। जैसे FeOH की होल थ्राइस का पीपीटी के अंदर अगर FeCl3 डाल दिया तो रेडिश ब्राउन कलर का कोलाइडल मिल जाएगा। सेम AlOH की थ्राइस में HCl डाल दो, AgI में AgNO3 डाल दो। जनरली हम इनमें कॉमन आयन डालते हैं, मतलब जिसमें आपको एक आयन कॉमन मिल जाए, तो आपका जो पीपीटी होगा, जो आयन कॉमन होगा पीपीटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आगे मैं प्रॉपर्टीज में करवाऊंगी इसको, अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसे, वो हम आगे करेंगे। तो आज हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस करवाऊंगी, ठीक है। आपको यहां तक अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है बेटा।